अच्छा जी, अब सीधे आपको लेकर चलेंगे भजनपुरा, जहां पर हमारे सहयोगी अनमोल कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। अनमोल, अगर हम इस वक्त की स्थिति की बात करें, क्योंकि लगातार दंगे जारी थे 2 दिनों से और जनता बेहद परेशान थी, भजनपुरा में अभी का माहौल क्या है? जी बिल्कुल, भजनपुरा में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, लेकिन स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय मैं पेट्रोल पंप के बाहर ही मौजूद हूँ। तमाम जो ये पेट्रोल पंप था, इसको आग के हवाले उपद्रवियों ने कर दिया था, लेकिन स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। अगर मैं दूसरी ओर दिखाना चाहूँ तो तबाही की निशानी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तमाम यहाँ बाइकों को फूंका गया है। अगर राइट हैंड की बात करें तो इसमें पूरे ये बिल्डिंग थी, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से आग लगा दी गई थी, लेकिन काफी नुकसान इस बिल्डिंग में भी हुआ था। वहीं दूसरी ओर देखें तो ऑटो को भी पूरी तरीके से फूंक दिया गया था। इसी तरीके से इस पूरी कतार में जितने वाहन खड़े थे, उपद्रवियों ने उसको आग के हवाले कर दिया था, लेकिन स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होती दिख रही है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक की रफ्तार भी बढ़ चुकी है, लगातार वाहनों की संख्या इस रोड पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा था लगातार जो बेल्ट थी, जाफराबाद की बात करें, जाफराबाद पर जब प्रदर्शनकारी बैठे थे उससे लगातार मौजपुर पर हिंसा बढ़ती थी, क्योंकि प्रदर्शनकारी जाफराबाद के एक रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था प्रदर्शनकारियों ने, जिसके चलते सीए के समर्थन में मौजपुर पर कुछ लोग बैठ गए थे, जिसके बाद पूरी हिंसा भड़क गई थी सीए के समर्थन में। साथ ही साथ उनकी मांग यही थी, जो रोड ब्लॉक किया हुआ है उसको जल्द ही खुलवाया जाए। हिंसा भड़कने के बाद ही तमाम, जब दिल्ली पुलिस एक्शन में आई थी, रविवार के दिन था, हालांकि रविवार के दिन भी हिंसा हुई, सोमवार के दिन भी हुई और मंगलवार के दिन भी अमूमन यही स्थिति देखी गई, लेकिन जब ये कमान अजीत डोभाल के हाथ में दी गई तो अजीत डोभाल को एक केंद्र सरकार ने अहम जिम्मेदारी दी और शांति पूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद से ही लगातार माहौल बुधवार को हल्का सामान्य देखा गया। हल्का थोड़ी छिटपुट घटनाएं जरूर सामने आई, लेकिन बृहस्पतिवार का दिन ऐसा रहा जब रैपिड एक्शन फोर्स ने कमान संभाली और तमाम, चाहे मौजपुर हो, जाफराबाद हो, ऐसे इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। बीती रात भी फ्लैग मार्च निकाला गया और साथ ही साथ वीरवार के दिन सुबह फ्लैग मार्च तमाम उन इलाकों की गलियों में निकाला गया, ताकि शांतिपूर्ण माहौल बनाया जा सके। अगर मैं भजनपुरा इलाके की और ये सुरक्षा का जायजा तो ले ही रहे हैं, लेकिन कोई भी उपद्रवी दंगा ना फैलाए इसकी भी कोशिश की जा रही है। अगर कोई भी लोग 4 की संख्या में दिखते हैं, क्योंकि पूरे इलाके में धारा 144 लगी हुई है, कहीं भी 4 लोग इकट्ठे दिखते हैं उनसे लगातार ये जवान पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर कुछ ही देर पहले मार्च करने निकली थी, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर जिम्मा संभाले हुए हैं और पूरी सुरक्षा की देखरेख में जुटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और तमाम जवान इसी तरीके से, भजनपुरा चौक की स्थिति यह है, हर इलाके में फैले हुए हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन तबाही का मंजर अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। पेट्रोल पंप की स्थिति देखकर स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इलाके में कितना उपद्रव मचाया गया। हालांकि स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। वहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, जिनके साथ आप वहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे जानिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए इस वक्त क्या कुछ माहौल है। अनमोल, वहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि फिलहाल भजनपुरा का जो माहौल है वो क्या कुछ कहता है, क्योंकि वो लोग स्थानीय है, पुलिस के साथ में जो लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस भी मौजूद है, ऐसे में हालात को हम तक बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे। जी बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करते हैं उन लोगों से, ही जानते हैं कैसा माहौल देख रहे हैं, क्योंकि लगभग 3 दिन तक ऐसा उपद्रव का माहौल चला। आप यहीं रहते हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद जोशी है और ये बगल वाली जो बिल्डिंग है ये मेरी है। जैसे कि अभी 2-3 दिन से पहले आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी उपद्रव हो रहे थे, लेकिन अब जो है 2-1 दिन से स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो गई है और बस देखा जाए तो लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें घरों में आग लगा दी है, दुकानों में आग लगा दी है और कई इस प्रकार की बातें जो है। पुलिस की कैसा रवैया देख रहे हैं, क्योंकि अब पुलिस बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी इलाके में तैनात कर दिया गया है, क्या आप लोगों के अंदर अब भी डर का माहौल है? काफी सहायता की गई है और काफी पहले फोर्स बढ़ा दी गई है और लेकिन यही गलती है कि ये चूक अगर पहले हो जाती, शायद ये पहले भी व्यवस्था बन जाती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक हुई है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी है। लोगों में अभी भी डर है लेकिन उतना नहीं है, सामान्य जीवन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन लोगों को जिनका नुकसान हुआ है वो ये सोच रहे हैं अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, दुकानों को, मकानों को ठीक करने के लिए उन्हें काफ़ी समय लगेगा, खर्चा भी आएगा, तो जिसमें आम आदमी है, जो नॉर्मल आदमी, उसको इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जल्दी अभी कम से कम 10-15 दिन में ये जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं आप किस नॉर्मल हो पाएगी और लोग जो है दोबारा से सोचेंगे कि भाई हम यहाँ पर आए या ना आए।
तो अभी भी लोग आ रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग आ रहे हैं, और जो मेन लोग हैं वो भी डर रहे हैं कि भाई पता नहीं अभी क्या हो जाए, क्योंकि जैसे कल शुक्रवार है, जुम्मा का दिन है, फिर दोबारा कहीं ये दोबारा से प्रदर्शन ना हो जाए, तो लोगों में कहीं ना कहीं अभी भय है। लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के कारण लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफी आ रहा है। अगर दुकानों की बात करें तो अहम जिम्मेदारी इन दुकानदारों की भी बनती है, दुकान कब से खुलेंगी कुछ आपको पता है इसके बारे में? देखिए जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे यहाँ पर गाड़ियों में आग लग गई, बोर्डों में आग लग गई, दुकानों में आग लग गई, और ये आग जो इतनी बड़ी है इसके कारण जो है लोगों का काफी नुकसान हो गया है। अब ये नुकसान कितनी जल्दी बढ़ता है ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो गई है, बहुत सी चीज़ों का नुकसान हो गया है इसमें, तो मुझे लगता है काफ़ी समय लगेगा अभी। लेकिन अभी लोग प्रिपेयर प्रॉपर नहीं है, BSS से तारें कट गई हैं, टेलीफोन की तारें कट गई हैं, नेट की तारें कट गई हैं, लोगों के घरों में आग लगी हुई है, और अभी भी अंदर का क्या पोजीशन है तो हमें नहीं मालूम अभी अंदर कितना भयंकर नुकसान हुआ है, तो ये तो खोलने के बाद ही पता लगेगा। क्या आपने अभी अब घर का ताला नहीं खोला है, क्या क्या माहौल है अंदर? मैंने अभी कल मैं आया था अपने दुकान का शटर देखने, तो उसमें आग तो लगाई गई लेकिन उससे पहले लूटपाट की कोशिश की गई, ताले को तोड़ने का प्रयास किया गया और ताले को तोड़कर कोशिश की गई कि अंदर किस तरह से घुसे, लेकिन वो ताला नहीं टूटा इसलिए उन्होंने बाहर से ही आग लगाकर वो चले गए। जिस समय ये माहौल बना उस समय आप वहां पर थे या फिर आप यहां नहीं रहते? मैं यहीं पर हूं, ये कोने वाली बिल्डिंग है, मेरा सेंटर है, मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, हमारा स्टडी सेंटर है। जब ये घटना घटी तो इतनी तेजी से फैली कि हमें नहीं पता लगा, संभलने का भी मौका नहीं मिला, हमने शटर बंद ही किया था, इतने में पथराव शुरू हो गया और इधर गाड़ियों में आग लगा दी गई, ऊपर कम से कम 50-60 बच्चे फंसे हुए थे और बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके, उसमें दिल्ली पुलिस की टीम भी हमारे साथ थी, कुछ हमारे साथ हमारे आस पड़ोस के सहयोगी थे, हमने बच्चों को अंदर से बारी बारी करके निकाला, पीछे के रास्ते से निकाला, उसमें ताले तोड़े, दरवाजे तोड़े और फिर जाके बच्चों को निकाला, जिसमें बहुत से बच्चे बेहोश भी हो गए थे और उसमें मैं भी खुद शिकार हो गया था, तो बाद में लोगों ने मेरे को हेल्प करके बाहर निकाला यहाँ पर। अब क्या स्थिति देख रहे हैं? अगर वाहनों की संख्या की बात करें तो वाहन भी देखा जा रहा है कि लगातार बढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप भी जाते होंगे, सफर करते होंगे, कैसी स्थिति देख रहे हैं अब? फिलहाल अब वाहनों की स्थिति धीरे धीरे बढ़ रहा है, जीवन जो सामान्य आने की ओर लग रहा है, और मुझे लगता है शायद 2-3 दिन के अंदर अगर इसी प्रकार से व्यवस्था बनी रही तो ये सुधार आ जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल अभी भी बना हुआ है, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है, कल भी जुम्मे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो ऐसी हिंसा ना भड़के इसी की उम्मीद की जा रही है। हालांकि उम्मीद लोग ये भी कर रहे हैं, जिस हिसाब से फोर्स की तैनाती की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि 102 दिनों में हालात सामान्य होंगे और ये दुकानें भी खुलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये पूरा एरिया है, यहां पर काफी बच्चे आते हैं, इंस्टीट्यूट है काफी, मैं दिखाना चाहूंगा इंस्टीट्यूट का एरिया है, यहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं, अभी पूरा तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि हालात 102 दिन में सामान्य हो जाएंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील ओबराय। कहाँ रहते हैं आप? भजनपुरा। कैसा माहौल देख रहे हैं, अगर माहौल की बात करें तो इस समय कैसी स्थिति बनी हुई है? तनावपूर्ण है पर शांतिप्रिय है इस समय, तो पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है, RF ने काफी कंट्रोल करा है, लेकिन आज से 2 दिन पहले पूरा माहौल दंगे वाला था, बुरी हालत थी। सामने से अल्पसंख्यक समुदाय ने, यहाँ हालात आप देख ही रहे हो, क्या दंगाइयों ने काम करा है और खुलेआम काम करा है। उस समय पुलिस की कोई मतलब सिक्योरिटी नहीं थी, अब तो फिर सब कुछ हो ही गया नॉर्मल। अब वाहनों की संख्या कैसी देख रहे हैं, क्योंकि वाहन देखा जा रहा है कि रोड सड़कों पर चलने स्टार्ट हो गए, दुकानें भी धीरे धीरे खुलना चालू हो गई है, तो अब कैसी स्थिति देख रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं इलाके में? हाँ नहीं, अभी खैर दुकानें तो नहीं खुल पाई, लेकिन धीरे धीरे हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं, लोगों में प्रेशर कम हो रहा है, टेंशन कम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे और 1-2 दिन बाद उम्मीद है कि स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, क्योंकि उपद्रवियों ने महिलाओं को भी अपना टारगेट किया था, बच्चों को भी अपना टारगेट किया था, उनसे भी बात करते हैं, अब कैसा माहौल देख रहे हैं इलाके में? सर हमने तो सारा कुछ हमने लाइव अपनी आंखों से देखा, ये जो जस्ट जो पेट्रोल पंप के जो पीछे की बिल्डिंग है, ये सारी बिल्डिंग्स हमारी हैं, जिसमें हम लोग सरवाइव कैसे कर पाए, हम लोग उस टाइम पे बुड्ढों को लेके हम भागे हैं, बच्चों को लेके हम भागे हैं, लेकिन ये सबसे अनसेफ जोन पे आ गया। पुलिस भी इसमें उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाई, उस टाइम पे उनके पास सिर्फ लाठियां थी, अगर उनको ऑर्डर होता तो शायद वो उस टाइम इतना कुछ नहीं हो पाता। हमने इतने कॉल्स करे हैं लेकिन हमें हर तरफ से एक ही जवाब मिला पुलिस से कि मैम हम परमिशन का वेट कर रहे हैं। तो ये सारा लॉ एंड ऑर्डर जो उस टाइम पे फेलियर हुआ है, ये इसकी भरपाई कौन करेगा?
ये सबसे बड़ा डैमेज है। और इसमें अब जो चल रहा है, अभी मामला जो है अभी तनावपूर्ण इतना नहीं है जितना कि लोग फेक मैसेजेस से फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगी शांति की, शांति बनाए रखें। और ऐसा कुछ नहीं है, अपने घरों से अब बाहर निकले, डरने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस हमारे साथ है, स्वैट वाले हमारे साथ है, और डोभाल जी पे हमें पूरा भरोसा है। जो कश्मीर का मामला सॉल्व करके आए हैं वो दिल्ली को भी सुलझाएंगे और सबके मुंह बंद करेंगे। लेकिन ताहिर हुसैन वाले मामले से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं, हमारी पूरी कॉलोनी नहीं, पूरी दिल्ली परेशान है कि उस बच्चे के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। वो 25 साल का लड़का, उसकी क्या गलती थी? वो जस्ट अपनी ड्यूटी करके अपने घर पे पहुंचा है, उसके बाद जस्ट अपना बाहर निकला, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हम जैसे बाहर निकल रहे हैं। क्या हम इतने अनसेफ हो गए हैं अपने घरों में? हम दहशत इस वजह से है कि हम कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि बाहर के लोगों को ये सब कुछ नहीं लग रहा है। अभी आप जस्ट पीछे जाएंगे आपको मामला लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हम वो चीज हम देख रहे हैं, वो दहशत हमने देखी है। लोगों को घसीट के ले जाते हुए हमने देखा है, मारते हुए देखा है हमने, पत्थरबाजी करते देखा, और पुलिस को कैसे इन्होंने पत्थर मार मार के इन्होंने भगाया है। ये डिवाइडर सारे तोड़े हैं, उधर से पथराव किया है हमने देखा है, फायरिंग करते हमने देखा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस हमारे पूरे साथ लगी रही है, लेकिन निहत्ती पुलिस क्या करेगी उस टाइम पे? वो मामला तब गड़बड़ाया है। एट अ पॉइंट अगर वो मामला सॉल्व हो जाता तो शायद इतना कुछ नहीं हो पाता। एंड साइन के ऑर्डर दे दिए गए हैं, उपद्रव मचाते हैं कोई भी लोग तो उन्हें गोली मार दी जाए, कैसे कदम देखते हैं? सर मुझे डर उस बात का नहीं, डर अभी मुझे इस बात का नहीं है कि अब कुछ होगा, क्योंकि शूट आउट का ऑर्डर आ चुका है। डर मुझे इस बात का है कि एक महीने बाद, दो महीने बाद भी क्या हम सेफ रहेंगे? क्या ये स्थिति फिर से नहीं आएगी? अभी धारा 144 अभी एक महीने के लिए लागू करी हुई है गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? इसका कोई फाइनल सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। बच्चों में भी क्या डर का माहौल है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते होंगे, कैसी स्थिति देख रहे हैं? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसी के भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सारी बसेस वगैरह सब कुछ बंद कर दी थी, तो इसलिए बस बच्चे स्कूल। धीरे धीरे हम हालात सामान्य हो रहे हैं, ट्रैफिक भी चलना शुरू हो रहा है, क्या लगता है 1 से 2 दिन में बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे? ये तो गवर्नमेंट देखेगी कि गवर्नमेंट किस तरह से एक्शंस लेती है, किस तरह का वर्कआउट करती है। जैसे ये टेंट वगैरह लगा रहे हैं वो ना लगाने दिए जाएं, यहाँ पर गैदरिंग वगैरह को जो जैसे लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद इस तरह की वायलेंस फैलाते हैं, वो चीज़ें ना करी जाए, क्योंकि ये बगल वाली बिल्डिंग हमारी है, ये जो पूरा हमें इतना नुकसान हुआ है इसके चक्कर में हमारे स्टूडेंट्स अंदर रह गए, और हमने तो खुद सोची कि बच्चे, मेरे हस्बैंड वहाँ अंदर बेहोश हो गए, इतनी पॉल्यूशन हो गई थी यहाँ पर से, और नीचे गाड़ियों में आग लगा दी, बच्चों की बाइकों में आग लगा दी, हमारी गाड़ी में आग लगा दी है। इतना हमें घर तो सामने है और ये पेट्रोल पंप में आग लगा दी गई थी, तो क्या कैसा माहौल बना था? ये पेट्रोल पंप नहीं है, ये बॉम्ब है, ये पब्लिक के बीच में एक बॉम्ब रखा हुआ है, जिसपे लोगों को बोला है कि अब तुम इसके नियर बाय रहो, और जिस किसी दिन भी फट सकता है ये। तो ये पेट्रोल पंप पब्लिक इस तरह की जगह पे नहीं होना चाहिए, जहाँ पर कि लोग जो है फैमिलीज रहती हैं, पीछे पूरा यमुना विहार बसा हुआ है, ये पूरा यमुना विहार यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से इतने सारे लोगों को कितना नुकसान हुआ है आप खुद बताइए। इसे हटाया जाए, क्योंकि सच में ये बॉम्ब है, और उस समय जो बिल्डिंगें खाली हुई हैं वो जस्ट इसीलिए खाली करी क्योंकि लाइफ से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमने बुड्ढों को बाहर निकाला है, बच्चों को बाहर निकाला है, सिर्फ इसलिए 4 दिन से बाहर है इनकी लड़की, मेरी बेटी 4 दिन से बाहर है, वो घर नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई कन्विंस नहीं है, और बिल्कुल पेट्रोल पंप के पीछे हम रहते हैं। एक बेटी का मेरा बोर्ड का एग्जाम था, वो नहीं हो पा रहा ना, वो कैसे वो प्रिपेयर करेगी, किस हालत में वो पढ़ेगी, कैसे वो मेंटली प्रिपेयर होगी कि वो कैसे पेपर दे पाएगी, बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, ऐसे ऐसे हालात में हम रह रहे हैं, इतनी धमाल में हम रह रहे हैं। लेकिन जवाब सिर्फ एक है कि आखिर भजनपुरा में स्थिति बिगड़ी क्यों, आखिर क्यों पुलिस को इतना समय लगा, और आखिर क्यों यहां पर जनता झेल रही है, सबसे बड़ा सवाल। और उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर कब पूरी तरीके से शांति को बहाल किया जाएगा। अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए।